हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। अभी सुबह का टाइम है और अभी सुबह के बहुत सारे काम ख़त्म हो गए हैं और अभी मैं किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ। एक तरफ मैंने खीर चढ़ाया है क्योंकि आज है मेरी एनिवर्सरी, तो कुछ मीठा बनाना तो बनता है, तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है मंदिर, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि धूप आजकल बहुत जल्दी निकल जा रही है, गर्मी बहुत लग रही है, तो जितना जल्द जाएंगे उतना जल्द पूजा करके आ जाएंगे। तो अभी मैंने खीर चढ़ा दिया है एक तरफ और एक तरफ मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखा है, आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू दम। और यहाँ पे मैंने मूंग दाल और चावल को धोकर अच्छे से भिगो के रखा है क्योंकि इसका मुझे खिचड़ी बनाना है, थोड़ा सा फूल जाएगा तो जल्दी बन जाएगा। दृशानी के लिए खिचड़ी बनाऊंगी क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ख़राब है, रात भर वो सो ही नहीं है, हम लोग भी उसकी वजह से अच्छे से सो ही नहीं है, और रात में वो खाना भी नहीं खाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उल्टी कर रही थी, तो उसके वजह से उसको खाना खिलास नहीं हुआ। तो रात को भी मैं खिचड़ी बनाई थी उसके लिए लेकिन वो खा नहीं पाई थी, तो अभी मैं जल्दी जल्दी उसके लिए फ्रेश खिचड़ी बना रही हूँ। वैसे अभी वो सो रही है और उठेगी तब तक खिचड़ी बन के रेडी रहेगा, तो फटाफट से उसे मैं खिला दूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मंगलसूत्र देख के मैं उल्टा पहनी हूँ, अचानक मेरा ध्यान गया। तो आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है ना दिशा? दिशानी मेरी रेडी हो गई है, दिशानी के नाक पे घाव हो गया है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए और घर आके मिलते हैं आप लोगों से। To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. अभी हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, भोले बाबा का मंदिर है और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी है। कुछ फ्रेंड तो ये मंदिर देखकर पहचान भी जाएंगे जो लोग बदलापुर में रहते हैं। वैसे मेरे घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो यहीं आना पड़ता है, ये थोड़ा सा दूर पड़ता है। और वैसे मैं सोची थी शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में आने का, लेकिन उस दिन आ नहीं पाई थी, तो तब से ही मैं सोच के रखी थी कि जाऊँगी अपने एनिवर्सरी पे, तो फिलहाल अभी तो मैं आ गई हूँ। तो बहुत दिन बाद मैं भोले बाबा का दर्शन की, बहुत अच्छा लगा। और वैसे मन में आप जो सोचते हो ना और वो चीज़ें आपका पूरा हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। अभी हम लोग आ गए हैं घर पे मंदिर से पूजा करके और अभी हम लोग खाएंगे खीर। मम्मा मुझे ऑरेंज खाना, मैं खीर बना कर गई थी तो अभी तो और कुछ बना नहीं है तो खीर खाएंगे। अभी तो हम लोग प्रसाद खाए हैं, अभी थोड़ा खीर खा लेते हैं फिर उसके बाद बनाते हैं कुछ। सो गाइज, अभी मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ। एक साइड मैंने राइस चढ़ाया है और ये देखिए, रात को मैंने पनीर बनाया था थोड़ा सा, आधा केजी दूध का थोड़ा सा ही हुआ है, और थोड़ा सा दृशानिया भी खाई है, फ्राई किया हुआ पनीर उसको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा खा ली है वो। और आलू है, आलू का ही मैं सोची थी आलू दम बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा पनीर है तो उसे भी फ्राई करके डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मसाले भून रहे हैं अभी,
तो अभी फटाफट से मैं बना रही हूँ खाना, और अभी 11:30 हो गया है। दिशानी के लिए मैंने खिचड़ी बनाया था ना, तो आज मैं खिचड़ी ही देने वाली हूँ। अभी मैंने चेंज कर दिया है, बापरे क्या गर्मी लग रही है ना, तो दिशानी अभी खिचड़ी खा रही है, उसको खिचड़ी ही देने वाली हूँ। पूरा रात परेशान की है, इतना ज़्यादा इसको उल्टी हो रही थी ना। 10 बजे मार्केट गए तो फिर दवा लेकर आए, हम लोग को लगा कि ठीक हो जाएगा, ऐसे ही उल्टी हो रहा होगा, लेकिन बिना दवा खाए ठीक नहीं हुआ। दवा खिलाया तो बंद हो गया, उल्टी होना बंद हो गया। गर्मी भी बहुत है ना, गर्मी की वजह से ना उसके नाक पे देखिए ना कितना सारा घाव निकल आया है। और दिशो बंद करो ना, बहुत सारा घाव निकल आया, और उसी घाव की वजह से ना उसका नाक पता है कितना दर्द हो रहा होगा। एक छोटा सा फुंसी निकलता है तो इतना दर्द होता है, और नाक पे ना 3-4 ऐसे छोटा छोटा फुंसी निकल गया है, कान पे निकल गया है, तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उसी घाव की वजह से ना उसको फीवर भी हो गया और उल्टी भी हो रही थी, पेट दर्द भी हो रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम। तो कल रात को बहुत परेशान की, और उस चक्कर में ना हम लोग सोए नहीं है। अभी ऐसा मन हो रहा है ना कि सब काम छोड़कर जाकर सो जाए, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हैं, तो इसलिए मैं सोची चलो फटाफट से खाना बना लेते हैं। और लेट हो गया था, मैं सोची थी खीर तो मैं बना कर गई थी, और आलू दम और पूरी बनाने वाली थी, तो ज़्यादा लेट हो गया है। और खाली पेट में अगर पूरी खाएंगे ना, तला हुआ चीज़, फ्राई किया हुआ चीज़, तो डाइजेस्ट नहीं होता है, हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, उनको भी प्रॉब्लम होता है, नहीं खाते, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सुबह सुबह अगर खा लेते ना 9 बजे या 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, तो ठीक है, उसके बाद अगर खाएंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर पूरा दिन हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ेगा। तो देखती हूँ रात को क्या बनाते हैं। और वैसे मैंने केक के लिए तो ऑर्डर दिया है, मेरे बिल्डिंग में ही एक भाभी है, मेरे बर्थडे पे आप लोगों ने केक देखा था ना, कितना प्यारा केक था ना, और टेस्टी बहुत था। तो इस बार मैंने रसमलाई केक ऑर्डर डाला है, और रसमलाई केक वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, और ये भाभी जो है ना बहुत टेस्टी केक बनाती है, और एकदम ताज़ा ताज़ा बना हुआ केक मिलता है। कल हमने बोला वो आज बना के देगी, शाम तक रेडी हो जाएगा, तो कितना फ्रेश केक खाने को मिलेगा ना। मार्केट का पता नहीं फ्रेश रहता है, कितने दिन का रहता है, हम लोग को पता भी नहीं रहता। आलू की सब्जी बनके रेडी, अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने। I could stay in this moment forever, so I can hold you in my... गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अभी शाम का टाइम है, 7 बज गए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट, वहीं पे हम लोग डिनर करेंगे। डिनर बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, और लंच करने के बाद मैं डायरेक्ट आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। लंच करने के बाद मैं भी सो गई थी, दृशानी भी सो गई थी, और अच्छा हुआ कि सो गए, नहीं सोते ना तो पक्का मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। 2-3 घंटे मैं आराम से सोई, और सोने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था, एकदम फ्रेश फील कर रहे थे। आज वैसे भी मूड नहीं था डिनर बनाने का, मैंने सोचा था कि बाहर ही खा लेंगे आज, तो हस्बैंड को बोल के रखे थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं एक अच्छा सा रेस्टोरेंट में लेके चलूँगा तुमको। वैसे यहाँ पे वो आए हुए थे, और उनकी तो हमेशा पार्टी वार्टी होती रहती है, तो दोस्तों के साथ आते रहते हैं, और ये भी और ये रेस्टोरेंट भी थोड़ा दूर है। मैंने उनको बोला था कि ऐसे जगह पे लेके चलिएगा जहाँ पे खाना अच्छा हो, तो यहाँ का खाना उन्होंने पहले ट्राई किया था, उनको अच्छा लगा था, तो इसलिए यहीं पे लेकर आए हैं। और वैसे भी खाना अच्छा नहीं मिलता है ना, तो फिर खा के मज़ा नहीं आता है। तो इस रेस्टोरेंट का खाना मुझे बहुत ही पसंद आया, आप लोग भी आ सकते हो अगर आप पहले से आए हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आए हो तो यहाँ पर ज़रूर आना, आप लोगों को भी खाना पसंद आएगा। और सबसे अच्छी बात ना कि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगेगा, देखिए यहाँ पर मैंगो भी फड़ा हुआ है, कितने सारे मैंगो दिख रहे हैं ना, देखिए इतने अंधेरे में भी दिख रहा है। गाइस अभी देखिए हम लोग कहाँ हैं, कौन सा रेस्टोरेंट है, गोल्डन पंजाब। गोल्डन पंजाब बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, अभी ये पहले आए हुए थे इधर, मैं पहली बार आई हूँ और देखकर तो बहुत अच्छा लगा, देखिए कितना मस्त खटिया लगा हुआ है क्या मस्त बिस्तर लगा हुआ है, आराम से बैठिए खाइए इंजॉय करिए। My friend.
rest of the night until break of dawn. Baby, it's the two of us. I know you won't let me down. तो गाइज अभी हम लोग डिनर करके आ गए हैं। मेरी शादी की 7 साल हो गई, अभी हम लोग केक काटेंगे। 7वां साल गिरा है मेरी शादी का और आज मैं अपने सारे विशेष पूरी किए हैं। सुबह मंदिर भी गए हैं और शाम को बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर गए थे मेरे हस्बैंड, तो वहाँ बहुत इंजॉय करके हम लोग डिनर किए हैं और इतना खा लिया है क्या बताओ। आने को मन ही नहीं हो रहा था, मन हो रहा था वही खटिया पे सो जाओ। बुद्धिशाली तो पहली बार खटिया देखी है, इसको लग रहा था झूला है। मस्त वहाँ पे कूद कूद कर खूब इंजॉय किए। बहुत मजा आता है ना ऐसे जगह पे जाते हैं खाना खाने, खासकर तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देखिए अभी मेरा केक बन के आ गया है, मतलब केक बन गया एकदम ताजा ताजा केक। और ये देखिए बॉक्स है ना मेरे कपड़े से मैच कर रहा है। केक काटेंगे और सो जाएंगे। वाओ, तो ये देखिए ये है केक, रसमलाई केक। हैप्पी एनिवर्सरी दीपक एंड पूजा। दीपक बिना पूजा अधूरा, पूजा बिना दीपक अधूरा। देखो इस पे लिखा भी है। हाँ तो ना आप लोगों को केक पसंद आया कि नहीं? देखिए मुझे तो बहुत पसंद आया। मेरा बर्थडे वाला केक भी बहुत अच्छा था और ये भी केक बहुत अच्छा है। We got everything we need right here, wine and burning chemistry. You and me alone, you and me alone. Inside of our embassy, everything we need right here. Make me sing along. आप सब लोग भी खा लीजिए मेरे एनिवर्सरी का केक। काश मैं आप लोगों को खिला पाती लेकिन दूर है आपके बदले दिशानी को। और दिशानी को खिलाएंगे ना तो आप सबके पेट में भी अच्छे से चला जाएगा। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, है ना दिशु? कैसा है केक? अच्छा है ना? देखो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। हम लोगों ने आज के दिन बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। और आज हम अपना सारा विशेष पूरी किए हैं, मंदिर गए हैं और इतने अच्छे रेस्टोरेंट में लेके गए मेरे हस्बैंड। थैंक यू सो मच बेबी। और देखते देखते हमारी शादी की 7 साल हो गई। कैसे 7 साल गुजर गया पता ही नहीं चला। ऐसे ही आदमी का दिन कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता है सच में। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारे ब्लेसिंग दिए, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सुबह से ही कमेंट आ रहा है आप लोगों का। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। मैं मिलती हूं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। दिशानी का तो घाव हो गया है। चलो बाय बाय बोल दो सबको। बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग, गुड नाइट शूटिंग। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। ये दोस्तों बोलते हैं ना बहुत हंसी आता है।